चंद्रशेखर जी, आज आप पीड़ित परिवार से मिले हैं, क्या कुछ बातें आपके सामने आई हैं इस वक्त? देखिए, बहुत सारी चीजें अभी पर्दे में जी, जिस तरह की जानकारी मिली है कि 45 दिन 47 48 दिन जो है आरोपी भी पुलिस के साथ था और पीड़ित परिवार के शिकायत करने के बाद भी जो है आरोपी पे ढंग से पूछताछ नहीं की गई जी। और उससे बड़ी बात कि पुलिस खुद पीड़ित उस आरोपी के साथ जो है यहाँ दोनों बच्चे आरोपी को साथ लेके पुलिस घूम रही थी, उसके साथ उठना बैठना कर रही थी और यहाँ भी संभावना जताई जाए कि अगर संतोष ना लौटते तो हमारी दूसरी छोटी बहन की भी हत्या जो है हो सकती थी, क्योंकि उसने इनको भी ले जाने का कहीं प्रयास किया था। तो इस मामले में बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं, पुलिस ने अपना काम सही तरह नहीं किया, किस दबाव में नहीं किया, किस नेता के कौन वो नेता है, उस सब चीजें बाहर आनी चाहिए। पीड़ित परिवार चाहता है, पीड़ित परिवार की तरफ से हम मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए और जिन्होंने ये हमें कीड़े मकोड़े समझ के जो है ना इस मामले को इतने दिन दबा के रखा, उन अधिकारी कर्मचारियों पर भी कार्रवाई हो, उन पर सेक्शन 4 का मुकदमा दर्ज हो, वो जेल जाए और उन नेताओं पर भी जिनके नाम खुल गया उनको भी जेल भेजा जाए। लेकिन इस मामले में न्याय के लिए हम लोग लड़ेंगे और आज हम लोग अभी टीम गेस्ट हाउस बैठ के टीम से सब लोग चर्चा करेंगे, जैसे लोग भी हमारे साथ गोंडवाना पार्टी के भी, हम लोगों ने तय किया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच के ऑर्डर यहां नहीं होंगे हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे, मुख्यमंत्री को सोने नहीं देंगे। मुख्यमंत्री क्या समझते हैं, क्या हम लोग इंसान नहीं है? भारतीय संविधान अधिकार देता है सबको, तो फिर ये हत्या क्यों हो रही है? और हत्या के साथ जिस तरह तेजाब डाल के, यूरिया डाल के, नमक डाल के, क्या है ये सब चीजें जो है ना ये भूला नहीं जाएगा। सर, परिवार भी भय में, आपको बता रहा था कि हम भय में हैं, आपने क्या निर्णय लिया इसको लेकर? आर्मी के 10 लोग 24 घंटे सुरक्षा में रहेंगे और हम यहाँ लोकल प्रशासन से पूछेंगे, अगर ये भय में हैं तो फिर वो लोग क्या कर रहे हैं? ये भय नहीं होना चाहिए। उन आरोपियों को कहाँ रखा देवास में, उनको सेंट्रल जेल होना चाहिए, क्योंकि जो लोग इतने दिन तक बचे रहे तो उनके उनके यानी कि सरकार के लोगों का संरक्षण है, उन्हें तो उनके लोग आगे कल गुंडागर्दी करेंगे यहाँ। मैं ये भी जानूंगा कि पीड़ित परिवार की सुरक्षा क्या व्यवस्था की गई है, मैं सब चीजों का संज्ञान लूंगा। लेकिन सच ये है कि पूरा मध्य प्रदेश आज आप देखिए यहाँ लाखों की संख्या में लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि वो इस परिवार के साथ खड़े हैं और ये हमारा परिवार है और हम अपने परिवार को कमजोर नहीं पड़ने देंगे और उसको न्याय मिलेगा, चाहे कोई भी घटना हो और चाहे कोई भी जगह हो, हम सब जगह खड़े हैं, हमारी यूनिट खड़ी है, किसी भी कीमत पे अपराधियों को बचने नहीं दिया जाएगा। अभी तक जैसे देखा आ रहा है छोटे छोटे कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री हो अपने नेताओं के और नेताओं पुत्रों के शादी विवाह में वो पकवान उड़ा रहे हैं और उनकी बुधनी विधानसभा जो खातेगांव विधानसभा से बिल्कुल लगी हुई है जी, वो अभी तक यहाँ पर संवेदनाएं प्रकट करने नहीं आए हैं और न ही गृह मंत्री आए हैं। आज जाके 12 दिन बाद कृषि मंत्री जिनका विधानसभा क्षेत्र यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है वो आए हैं आपके आने से कुछ घंटे पहले, इस बारे में आप क्या कहेंगे? उनको पता लग गया ना मैं आ रहा हूँ इसलिए वो चले आए। लेकिन सच ये भी है कि क्या मुख्यमंत्री को शर्म नहीं आती? बड़ी बड़ी भाषण देने वाले मुख्यमंत्री कहेंगे कि कोई बहन बेटी तरफ उठा के देखेगा तो ये कर देंगे, आज वो मुख्यमंत्री क्या हमें इंसान नहीं समझा जा रहा है? क्या मुख्यमंत्री जो खुद पिछड़े वर्ग से आते उनकी नजरों में ये आदिवासी दलित क्या इंसान नहीं है? क्या हमारी बेटियों की इज्जत इज्जत नहीं है? तो जनता जवाब देगी। लेकिन मैं अपने लोगों से भी ये कह रहा हूं कि हमें सतर्क रहना पड़ेगा और हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये देखिए पुलिस की मौजूदगी में तो हुआ है, ऐसी सरकार का जिसमें बहन बेटियां सुरक्षित ना हो और उनको न्याय ना मिले ऐसी सरकार क्या फायदा है? तो इस सरकार को भी जवाब देंगे और उन आरोपियों को भी सबक सिखाएंगे और भविष्य में ऐसा ना हो इसलिए अपने परिवार की सुरक्षा भी करेंगे। तो आज मैं यहां संकल्प देने के लिए आया हूं कि ये परिवार मेरा परिवार है, मैं जीवन के अंतिम क्षण तक इससे रिश्ता निभाऊंगा और जब तक वो फांसी पे नहीं चढ़ते हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे, उनको फांसी से दिला करेंगे और प्रशासन सरकार अगर उनको बचाने का प्रयास करेगी तो याद रखे सरकार बदलती रहती है, ये मुख्यमंत्री जो आज उनका संरक्षण कर रहा है जब दोबारा चुनाव आएगा तो सड़क पे घूमता नजर आएगा अगर जनता ने तय कर लिया तो, ये नहीं चलेगा, ये लोकतंत्र है, जनता मालिक है और जनता मांग रही है कि सीबीआई जांच हो तो मुख्यमंत्री को क्या न्याय नहीं देना चाहते? मुख्यमंत्री की भी तो ये जिम्मेदारी बैठती है कि जहां जब पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं तो न्याय दे, तो सीबीआई जांच कराने में क्या डर लग रहा है? क्या कहीं उनका बेटा फंसने वाला है जो बचाया जा रहा है? ये नहीं चलेगा, किसी भी कीमत पर नहीं चलेगा, हम जवाब लेंगे और अगर कल से हम लोग आज तय करेंगे धरने स्टार्ट होंगे हर जिला मुख्यालय पे विधानसभाओं पे और अगर फिर भी मुख्यमंत्री नहीं जागे चुप रहे तो उनका घेराव करेंगे और हमारे एक नारा है
कि नहीं डरेंगे गुड़की से, खींच लेंगे कुर्सी से, तो हम जनता है, खींच के ले आएंगे सड़क में मुख्यमंत्री को। और तुम घबराना मत, हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ तुम्हारा पसीना पड़ेगा वहाँ खून देंगे बीमार में राजा समाज पार्टी के लोग, घबराना मत। खड़े रहना, कल किसी और परिवार के साथ ना हो ऐसा, इसलिए खड़े रहना। तुम खड़े रहो और इनको नाच नचाएंगे आप, देखते जाओ बहुत। और तुम लोग जाओ अंदर, अब बैठो और 10 लड़के लगाओ सुरक्षा में यहाँ परमानेंट 24 घंटे, ठीक है? जाओ तुम आराम करो। वो कहाँ है?